दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ संघर्ष समिति के तत्वाधान में शिवशंकर गौड़ अध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय की मूलभूत सुविधाएं शुल्क वृद्धि सीट वृद्धि एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था की मांग को लेकर कुलपति कार्यालय के चैम्बर के सामने धरने पर बैठे। इस बारे में हमारे संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता शिवशंकर गौड़ ने कहा कि हमारी मूलभूत सुविधाएं छात्रों का हक हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के नाम पे भारी धांधली और अनियमितता विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। पिछले वर्ष जिस प्रकार से संयुक्त प्रवेश परीक्षा में लाखों विद्यार्थी गोरखपुर विश्वविद्यालय मुख्य प्रांगण से लगाए, दिग्विजयनाथ से लगाए, डीबीएनडीसी कॉलेज तक, सेंट्रल ड्यूज कॉलेज तक केवल भटकते रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई सुविधाओं का कार्य नहीं किया है। पहला विषय, जिन बच्चों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भाग लिया उनका कोई डाटा बताने को ये तैयार नहीं कि उनका एडमिशन कहाँ होगा। सहजनवा के विद्यार्थी को देवरिया भेजने का काम करते हैं, देवरिया विद्यार्थी को सहजनवा भेजने का काम करते हैं। दूसरा, जो प्रश्नातक में ऑनलाइन परीक्षा कराने का इन लोगों ने काम किया है, ये सीधे सीधे विद्यार्थियों साथ मजाक उड़ाने का काम है। आप किसी भी विभाग में जाकर ये पूछ सकते हैं, कहीं भी कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जाती है, फिर भी प्रश्नातक के परीक्षा ये ऑनलाइन करा रहे हैं। कल को ये बीए बीएससी बीकॉम कराएंगे, ये क्या मतलब है। तीसरा, कोई एक अत्याधुनिक पूछताछ काउंटर विश्वविद्यालय मुख्य कैंपस में स्थापित किया जाए, जहाँ दूर दराज से आने वाला विद्यार्थियों को उसकी सुविधाओं को पता चल सके, वो प्रवेश कहाँ ले ये पता चल सके। चौथा, जो ये फीस बढ़ोतरी लगातार हो रही, जो फीस है इसे